सो गाइस, काफ़ी बार आप मुझसे पूछते थे कि भाई तू ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप के अंदर फेस को कैसे स्मूथ किया जा सकता है, उसका एक वीडियो जल्दी बना। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आपका वो स्किन स्मूथ वाला वीडियो लेके आ गया हूँ, ताकि आप भी अपने फोटो के साथ सीबी एडिटिंग की जैसा स्किन को स्मूथ कर पाओ। एंड बिलीव मी दोस्तों, ये करना बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, जो कि मैं आपको आसान तरीके से आपको समझा दूंगा, इसलिए ये बहुत ही आसान है। तो गाइस, बिना ज़्यादा टाइम गवाए चलिए वीडियो को शुरू कर देता हूँ। लेकिन उससे पहले यहाँ पे दो रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी तक आप मुझे इंस्टाग्राम के अंदर फॉलो नहीं किए हो तो जाके फॉलो कर लो। एंड अगर आप इस चैनल के अंदर नए आए हो तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए गाइस, सबसे पहले यहाँ पे जो मेरा ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप है, इस ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है। सबसे पहले इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए लिंक से ही इस ऐप को डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरा जो मॉडल का फ़ोटो है उसको मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो मेरा जो मॉडल का फ़ोटो है उसको मैंने यहाँ पे ले चुका हूँ। अब मैं इसको शेयर करके ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप के अंदर इसको ओपन करूँगा। तो यहाँ पे ऑटोडेस्क स्केचबुक के अंदर ओपन कर लेता हूँ। तो पहली बार ये थोड़ा सा टाइम लग सकता है, थोड़ा बहुत आपको ग्रांट परमिशन भी एक्सेप्ट करना पड़ता है, अलाउ करना पड़ता है, तो वो सब आप कर लेना। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है वो आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि मतलब क्या क्या स्टेप है वो जिससे आप स्किन को स्मूथ कर सकते हो। तो सबसे पहले पिक को थोड़ा सा जूम करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा मॉडल का जो फोटो है वहाँ पे फेस स्मूथ नहीं है, एंड फेस के अंदर नॉइज भी बहुत ज़्यादा है, एंड कुछ कुछ जगह के ऊपर पिंपल्स भी है, एंड थोड़ा बहुत स्पॉटेड स्पॉट्स भी है। तो इन सारी चीज़ों को स्किन स्मूथ के अंदर इसको सही करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जो ऊपर थर्ड नंबर का आइकन दिख रहा है ना, इस आइकन के अंदर आपको क्लिक करना है। इस आइकन के अंदर क्लिक करने के बाद आपका डिफ़ॉल्ट ऐसा लगेगा दिखने में। आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लीजिए। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे स्मज ब्रश दिखाई देगा। स्मज ब्रश को लेने के बाद आपको ये जो पहले वाला ब्रश है इसको आपको चूज़ करना है। अगर आप इसको चूज़ नहीं करेंगे तो आप ये वाला ब्रश भी चूज़ कर सकते हो। ये जो दो ब्रश यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इन दो ब्रश में से कोई भी ब्रश यहाँ पे चूज़ कर लो, लेकिन यहाँ पे सेटिंग आपको ध्यान में रखना होगा। तो इस ब्रश को चूज़ करने के बाद यहाँ पे आप सेटिंग के अंदर चले आइए। सेटिंग के अंदर आने के बाद आप इसका साइज़ को थोड़ा बड़ा मतलब छोटा बड़ा कर लीजिए आपके फोटो के हिसाब से। काफ़ी बार आपको साइज़ को छोटा भी करना पड़ेगा, काफ़ी बार आपको बड़ा भी करना होगा। एंड जो फ्लो है, फ्लो एंड स्ट्रेंथ को आपको सेम नंबर पे रखना होगा। तो फ्लो को आप 4-5% के अंदर रखिए, मैं अभी प्रेफर करता हूँ 5%। तो स्ट्रेंथ को भी आपको सेम नंबर रखना होगा, मतलब इसको भी 5 नंबर रखना होगा, 5%। इन दोनों को मैंने सेम कर लिया है। अब इसको यहाँ पे क्लोज करता हूँ। अब गाइस, पिक को जूम करना है। पिक को जूम करने के बाद आपको सबसे पहले एनालाइज करना होगा, मतलब समझना होगा क्योंकि किस डायरेक्शन से पेंट करने से आपका फ़ोटो मतलब ओरिजिनल लगेगा, रियलिस्टिक लगेगा। तो जैसे कि यहाँ पे ऊपर का जो हिस्सा है उसको मुझे यहाँ पे ऐसे पेंट नहीं करना है, ऐसे अगर मैं पेंट कर लूँगा तो ये भद्दा लगेगा। एंड गाइस, एक और चीज़ है, समझ लो कि ये मैंने गलती यहाँ पे कर दिया है, तो इसको मैं बैक कैसे करूँगा। बैक करने के लिए यहाँ पे नीचे आपको ये जो आइकन मिल रहा है ना, इस आइकन के अंदर आपको क्लिक करना है, गॉट इट। उसके बाद यहाँ पे आपको ये जो लेफ्ट वाले नीचे का जो कॉर्नर का आइकन है, इस आइकन के अंदर क्लिक करना है। ये आपका अंडू बटन है, तो आप इसको क्लिक करके अंडू कर सकते हो। तो ये भी जानना बहुत ही ज़रूरी है अंडू कैसे करते हैं। अब गाइस, इस पिक को जूम कर लो। जूम करने के बाद आप एक डायरेक्शन में इसको पेंट करो, ऐसे। बहुत ही टाइम लेके इसको करना दोस्तों। तो जैसे देख सकते हो ये थोड़ा सा फेक लग रहा है, मतलब इसका जो फ्लो है वो बहुत ज़्यादा है। फ्लो को मैं अभी इसको 4% में रखता हूँ। ओके, अब इसको मैं ऐसे पेंट करूँगा। यहाँ पे दोस्तों मैं गलती एक चीज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने ब्रश का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा कर लिया है, इसलिए यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा डायरेक्शन आ रहा है। तो इसका साइज़ को भी मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, 34। तो आप इसको थोड़ा सा टाइम लेके करना ज़रूर। तो इसको मैं फटाफट कर लेता हूँ, तो इसको मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करूँगा ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। एंड ऐसे ही आपको पेंट करना है दोस्तों। तो आप यहाँ पे देख लो कि किस डायरेक्शन में मैं इसको पेंट कर रहा हूँ, कैसे ये एक्चुअली स्मूथ हो रहा है। एंड गाइज, यहाँ पे आप ब्रश को चेंज करके भी देख सकते हो, जैसे कि आई थिंक इस ये जो ब्रश मैंने यहाँ पे
ले चुका हूँ, इससे ये वाला ब्रश ही मुझे सबसे अच्छा लगेगा। तो ये वाला ब्रश को लेके सेम यहाँ पे इसका नंबर को सेम रख देता हूँ। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो कि फोटो हमारा ऑलमोस्ट बहुत अच्छे से स्मूथ हो गया है, लेकिन थोड़ा सा फेक लग रहा है ना, आई नो। तो इसको फेक को थोड़ा सा कम करने के लिए आप फ्लो को 1% कर दो एंड स्ट्रेन को भी 1% कर दो, एंड जहाँ जहाँ पे आपको इसको सही करना है वहाँ पे आप इसको दोबारा पेंट कर लो, इससे और भी अच्छा स्मूथनेस आएगा फोटो के अंदर। तो गाइस अभी आप देख सकते हो कि फोटो हमारा सीवी एडिटिंग की जैसा स्मूथनेस लग रहा है एक्चुअली। तो फोटो या मतलब आई होप आपको पता चल गया होगा कि ऐसे आप अपने फोटो के अंदर स्मूथनेस ला सकते हो। लेकिन दोस्तों आई नो कि ये रियलिस्टिक नहीं लग रहा है, क्योंकि दोस्तों इस फोटो के अंदर फेस को थोड़ा सा व्हाइट करना बहुत ही ज़रूरी है, तभी ये अच्छा लगेगा। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि फोटो को आप सेव कहाँ से कर सकते हो। सेव करने के लिए आप यहाँ पे इस आइकन के अंदर चले आओ, एकदम फास्ट वाला जो ऊपर का आइकन है इसके अंदर, देन यहाँ पे शेयर, देन सेव टू डिवाइस। तो ऐसे आप फोटो को सेव कर लेने के बाद अभी इस फोटो को मैं शेयर करके स्नैपसीड ऐप के अंदर ओपन कर लेता हूँ, एंड स्नैपसीड के अंदर मैं थोड़ा सा फेस को ग्लो कर लूँगा। तो यहाँ पे टूल्स के अंदर आऊँगा, देन यहाँ पे सिलेक्ट टिप, देन यहाँ पे सैम्पल को लेके फेस को यहाँ पे मैं ग्लो कर लूँगा। अभी आप देख सकते हो कि फ़ोटो कितना अच्छा अभी लग रहा है। तो यहाँ पे एक और सैम्पल ले लूँगा, थोड़ा सा ग्लो एंड सेचुरेशन थोड़ा सा कम। गाइस आई होप आपको अभी मालूम चल गया होगा कि फ़ोटो हमारा स्मूथनेस भी लग रहा है एंड फेक भी नहीं लग रहा है, स्मूथनेस हमारा फेक भी अभी नहीं लग रहा है, एंड इस वीडियो एडिटिंग की जैसा स्मूथनेस भी अभी हो गया है। एंड गाइस इस फोटो को मैंने लाइट रूम के अंदर रिटचिंग किया हूँ, एंड ये देख सकते हो ये रहा फाइनल रिजल्ट। तो अगर आपको रिटचिंग करना नहीं आता तो उसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस बना के रखा हूँ, आप इस वीडियो के एंड स्क्रीन में लाइट रूम का ट्यूटोरियल का कोई भी प्लेलिस्ट चेक करके कोई भी वीडियो देख लो, आपको रिटचिंग करना आ जाएगा। तो ऐसे आप फोटो को क्रिएट करके अपना जो स्मूथनेस है वो आप यहाँ पे ऑटोडेस्क स्केचबुक के अंदर डाल सकते हो। एंड अगेन दोस्तों इस ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है, आप डिस्क्रिप्शन पे जाके इस ऐप को डाउनलोड कर लेना। तो गाइज आपको आई थिंक आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा एंड कुछ नया भी आपको सीखने को मिला होगा। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ये वीडियो, एंड अगर आप इस चैनल के अंदर नए आए हो तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लो। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, तो मैं मिलता हूँ एक अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग दोस्तों एंड कीप क्रिएटिंग।